एक गधा कान लगाकर खड़ा था किसी घर के नजदीक। गधे से किसी ने पूछा कि भाई गधा जी कान लगाकर क्यों खड़ा है? बोले मेरा बेटा खो गया, उसको खोजने आया हूं। पागल, बेटा खो गया तो इधर उधर ढूंढ, किसी के घर के द्वार पर कान लगाकर बैठा है? उसने बोला अंदर से आवाज आ रहा है। एक आदमी बोलता है तू गधे का बच्चा, दूसरा बोलता है मैं गधे का बच्चा नहीं, तू गधे का बच्चा है। अब देखूं कौन निकलता है मेरा बच्चा तो मैं उसको ले जाऊं। जयराम जी बोलना पड़ेगा, ये कल्पित जोक्स है, सच्ची बात नहीं है, ये आपके मन को जरा थोड़ा सा ताजा बनाने के लिए। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण। मिली हुई सेवा में, मिले हुए कर्म में आसक्ति और अहंकार छोड़कर तत्परता से करते हो तो वो कर्म आपके लिए कर्म बंधन काटने वाला हो जाता है। एक होता है शर, दूसरा होता है अक्षर। शरीर और ये वस्तुएं क्षर है, लेकिन तुम्हारा आत्मा परमेश्वर अक्षर है। वो क्षर होने वाला, नष्ट होने वाला नहीं है। उसकी प्रीति के लिए उसका स्मरण करते हुए आप कर्म करो। एक मंत्र, दूसरी एकाग्रता, तीसरी श्रद्धा और चौथा संयम। वीणा की तार कहे कि मैं क्यों बंधी रहूं, क्यों संयत रहूं, मैं तो बेपरवाह रहूंगी, तो उस तार से गीत नहीं गूंजेंगे। वीणा की तार से गीत गुंजाने होंगे तो उसके दोनों छेड़े संयत होंगे, तभी वीणा की तार से गीत छेड़ेंगे। नदी कहे मैं दो किनारों के बंधन में क्यों रहूं, इधर आए उधर आए, घूमू फिरू मौज करूं, तो वो नदी सागर तक नहीं पहुंचेगी और कई गांवों को बर्बाद कर देगी। जो कैनाल या नदी किनारों की मर्यादा में संयम में जीती है, वो गांवों को हरा भरा करती है और वो नदी गंगा सागर तक पहुंच जाती है। ऐसे जीवन में सदाचार और संयम के दो किनारे छूकर जो चलता है वो जीवनदाता तक पहुंचता है, और जो उछलंक चलता है वो भटक जाता है। बाष्प कहे मैं क्यों बंधी रहूं बॉयलर में, मैं तो यूं ही घूमूंगी, तो तेरी कोई कीमत नहीं रहेगी। बाष्प अगर बॉयलर में है, संयत है, तो हजारों पैसेंजर को यहां से उठाकर दिल्ली और दिल्ली से उठाकर कहीं का कहीं पहुंचा देती। बाष्प संयत है तो हजारों टन वजन खींचने की ताकत। ऐसे ही तुम्हारा मन और विचार संयत है तो तुम संसार सागर से पार होने का सामर्थ्य पाकर मुक्त हो सकते हो। इसलिए अपने जीवन में थोड़ा संयम भी होना चाहिए, कुछ ब्रेक भी होनी चाहिए। बिना ब्रेक के साइकिल का जो हाल होता है, ऐसे बिना संयम के मनुष्य का हाल हो जाता है। विदेश में ये बुरा हाल हो रहा है, ड्रग्स में कर रहे हैं, कोई किसी में पड़ रहे हैं, कोई किसी में पड़ रहे हैं। बड़े बड़े स्टोरों से क्या अरबों अरबों रुपए के साल में तो चोरी होती है, वो गरीब आदमी नहीं चुराते हैं। जो कारों में बैठकर आते हैं और जो रोज के हजार दो हजार कमाते हैं, ऐसे लोग बड़े बड़े मॉलों से स्टोरों से चोरी करते हैं। $200 मिलियन की चोरी स्टोरों से, कोई रुमाल चुरा गया तो कोई कुछ चुरा गया, कोई कुछ चुरा गया। संयम नहीं है, सत्संग नहीं है, और तो क्या कहें। उन बड़े लोगों को जिनको हम बड़े लोग देखते हैं और जिनको देखकर हमारे मुंह में गिगिगिगि हो जाती है, अमेरिका से आया, अमेरिका से आया तो क्या कोई भगवान हो गया क्या? बापू जी ये अमेरिका से आए और इनको जरा सा कोड है, जरा इनको इलाज बता दीजिए, अमेरिका से आए। अरे तू वकील है कि मूर्ख है? एक वकील है, बापूजी ये अमेरिका से आए, इनके बेटे को जरा कोड है, जरा बता दीजिए। मैंने उस वकील को डांट दिया, जयराम जी की इतने इंप्रेस हो रहे कि अमेरिका से आए। कोई मनो मन कोई जोगी तप करके हिमालय से आता है तो है महाराज बाबू, लेकिन कोई भोगी के देश से आता है तो मुंह में पानी आ जाता है, अमेरिका से आया, क्या हो गया? आया तो आया है, हम अपने देश में ही पराए हो गए, इतने इंप्रेस हो गए, इतने प्रभावित हो गए। वहां अमेरिका में रहने वाले क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोग तालाब के किनारे, नदी के किनारे जा बैठेंगे, घंटों भर ताकते रहेंगे, मछली फंसी फिर अपने वो साधन से ऊपर उठाएंगे, मछली छटपटेगी, उसको देखेंगे, मजा लेंगे, मछली मर गई फिर फेंक देंगे, सुख लेने के लिए वो कर रहे हैं। एक आदमी नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, 2000 नहीं, लाखों आदमी को ऐसा शौक है। ये कर्म बंधन है।
उनको ऐसा नहीं कि गुजारा करने के लिए मच्छी फंसाना पड़ता, नहीं, मजा लेने के लिए। और मच्छी फंसाने के करोड़ों रुपए के साधन, मच्छियों का शिकार करने के लिए करोड़ों रुपए की नावें और बोटिंग होता है। हाँ, नाव करो, बोटिंग करो, लेकिन कुछ अपने दिल में दिल भर की याद लाने के लिए बोटिंग का उपयोग करो। हम राजी हैं, लेकिन जाकर मछली फंसाई, छटपटी और जाल में ही करे, फिर मछली मरी और फेंक दी। मनुष्य को काम, मशीन को काम दिया जाता है, मनुष्य को ज्ञान दिया जाता है। और ज्ञान तीन प्रकार का होता है, एक ऐहिक विद्या पेट भरने की, दूसरी योग विद्या है हृदय को सामर्थ्य से भरनी, और तीसरी आत्म विद्या है जीवात्मा परमात्मा की मुलाकात करने की। ये तीन तीन विद्याओं के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। आज आदमी पेट भरने की विद्या भी भूल बैठा, अभी तो चाय पी और थोड़ी देर में पकौड़े खाए। अब दूध के ऊपर नमक आएगा तो सफेद दाग होंगे। अभी तो कहूं दूध पिया, मिल्क रोज पिया और बाद में फिर नींबू का शरबत पी लिया, कोढ़ के दाग होंगे। दूध पीने के बाद अमृत भी मिल जाए तो भी ढाई घंटे तक खाना पीना नहीं चाहिए। दूध जैसी चीज मावा खा लिया और ऊपर से खट्टा मीठा खा लिया, कोढ़ के दाग होंगे। ये कोढ़ के दाग हो गए, बाबा जी क्या करे? तुम चाहे जैसा करो और हम तुम्हारी दवाइयां ढूंढते फिरे, ऐसा मतलब है क्या? संत उदार हैं लेकिन बेवकूफ तो नहीं बनेंगे, हम डांटने का भी अधिकार रखेंगे। कोढ़ हो गया, दोबारा बेवकूफी मत करना, जिसको भी हुआ उसको समझा देना। तुलसी, काली तुलसी का रस लगा दिया करो कोढ़ के दाग पर। अगर अमुक प्रकार का कोढ़ होगा तो ठीक हो जाएगा, एक जगह ठीक होगा तो दूसरी जगह भी लगाओ। रवैया आते, रवैया का टूंटी तोड़ कर उसका फिन निकालो, वो लगाओ, उससे फायदा होता है। रवैये का दो पीस करके उसका फिन लगाओ, उससे फायदा होता है। लेकिन ये छोटे छोटे फायदे, मैं तो ऐसा फायदा दिलाना चाहता हूं कि इंद्र देवता भी तुम्हारे आगे नन्ना लगे। उस बात को छोड़कर तुम ये कब तक कोढ़ की दवाइयां पूछते रहोगे, सिर दर्द की दवाइयां पूछते रहोगे? सिर दर्द है किसी भी प्रकार का, हाथ की पहली उंगली अंगूठे के नीचे, तीन हाथ उंगली सीधी, जीभ आधा सेंटीमीटर बाहर, दो मिनट सुबह दोपहर शाम को रेस्ट करो। सिर दर्द कितने भी प्रकार का होगा, आराम, जयराम जी बोलना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आरोग्य निधि पुस्तक में लिखी है, वो लेके पढ़ लेना, देख लेना, दूसरे को बता देना। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। अनाश्रिता कर्म फलम अनाश्रिता कार्यम कर्म करोति यः, कार्यम कर्म करो।